यस नो ओके सो एनी वन हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉट एवर वी डिस्कस यस्टरडे? काल आपण जे डिस्कस केलं त्याच्याशी रिलेटेड काही क्वेश्चन आहेत का? काय नाव तुमचं? सौरभ सौरभ. हाय सौरभ. सो जस्ट टू गिव यू अ बॅकग्राऊंड, काल आपलं इंट्रोडक्शन लेक्चर वगैरे झालं. सो वेअर वी अंडरस्टूड व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन डेटा सायन्स अँड डेटा अनालिस्ट. So where we have discussed the difference, data analyst, data science. So data analyst is nothing but the person who deals with the past, मतलब past data वर्ष trend वगैरह analyze करूँ, he can give you a business insights. And data science, nothing but a future, the person who can understand or can predict the future. Okay? Prediction, projection, all those things come under a future. So how it is, as in what will happen. Matlab, just to give you an example, so suppose there is a sales, like do 3 saal ka sales ka data hai, then we can predict what will happen in next year. So what will happen in next year during Diwali? Sales or big billion, right? येत आहे ना? हाँ आता सुरू होईल, थोडं जास्त नसेल तर फॅन. ओके सो क्लियर, हे सगळ्यांना क्लियर आहे? काल ऍज युअर डेटा अनालिस्ट रोल, जसं तुम्ही इफ यू गो टू कंपनी, कुठल्या तरी कंपनीत तुम्ही जाल ऍज अ डेटा अनालिस्ट काम करा, सो युअर रोल विल बी टू अंडरस्टँड व्हॉट हॅज हॅपन इन द पास्ट, म्हणजे जे पास्ट मध्ये काय घडलंय ह्याचा अभ्यास करणं आणि सांगणं त्यांना की एक्स वाय झेड, म्हणजे समजा की हे प्रोडक्ट तुमचं चालत नाही, इट इज इन लॉस फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, तर लास्ट 3 वर्ष झालं या प्रोडक्ट लॉस मध्ये आहे, तर नेक्स्ट इयर मे बी वी कॅन डिस्कनेक्ट ऑर डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट, म्हणजे हे प्रोडक्ट विकायचं आपण बंद करू शकतो. दिस इज नॉट, दिस इज व्हॉट ऍक्शन. सो जर तुम्हाला कोणी विचारलं व्हॉट डेटा अनालिस्ट डू, म्हणजे डेटा अनालिस्टचा जॉब काय, तर यू शुड बी एबल टू आन्सर की टू फाइंड द पॅटर्न ऑर टू फाइंड द इन्साइट्स, त्याला ऍक्च्युली टेक्निकल वर्ल्ड मध्ये इन्साइट म्हणतात, अँड रिकमेंड अ ऍक्शन. ओके, तर तुमचं काम काय असेल? इन्साइट्स जनरेट करणे आणि ऍक्शन सजेस्ट करणे. ऍक्शन म्हणजे आता तुमच्याकडे लास्ट 10 वर्षाचा कंपनीचा डेटा आहे, आता तुम्हाला माहिती आहे की दरवर्षी मे मध्ये आपल्याला लॉस होतो कारण ऑर्डर्सच नसतात. ओके, और पावसाळ्यात तुम्हाला खूप कमी ऑर्डर्स असतात. व्हॉट एव्हर, समजा तुमचे एक लेट्स टेक छत्री बनवणारी कंपनी आहे, रेनकोट बनवणारी कंपनी आहे, राईट? तुम्ही ते ऍड बघता ना, कुठले रेनकोटचं फेमस कंपनी, एनी लाईक छत्रीची कुठली कंपनी असेल फेमस, मग तुम्हाला कळेल की तुम्ही मे एप्रिल मे किंवा मार्च एप्रिल मे मध्ये काहीच सेल नाही होत छत्री आणि रेनकोटचं, तेव्हा काय असेल? निगेटिव्ह मध्ये असेल सगळे नंबर्स. पण जसंही एकदम आपण मे एंड जून जुलै, तर सेल्स खूप वाढत जाते, राईट? तर मग हे काय झालं, हे तुम्ही सजेस्ट केलं, तर मला सोल्युशन काय? ऍज अ ऍक्शन तुम्ही सांगू शकता की वी शुड डू अ डायव्हर्सिफिकेशन, म्हणजे बिझनेस तुमचा डायव्हर्सिफाय करायला पाहिजे, म्हणजे तुमचे सीझनल प्रोडक्ट्स आहेत, जर तुम्ही रेनी सीझन साठी काय बनवलंय, तर विंटर किंवा समर साठी पण तुम्हाला काहीतरी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट लॉन्च करायला लागेल, सो दॅट तुमचा बिझनेस थ्रू आउट चालेल. तर हे दिस इज व्हॉट इज युअर जॉब, मतलब ये आपका डे टू डे जॉब है, टू फाइंड द इनसाइट्स एंड टू प्रोवाइड अ एक्शनेबल सजेशन्स और एक्शन्स. क्लियर सगळ्यांना? ऍज अ डेटा अनालिस्ट तुम्ही काय करणार आहे? येस, एनीवन ऑनलाइन, दोज वर अटेंडिंग ऑनलाइन, कळतंय का सगळ्यांना की काय सुरू आहे काय नाही? गुड. तो ऍज अ डेटा अनालिस्ट तुम्ही काय काम करणार हे क्लिअर आहे का तुम्हाला? ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टॉपिक इज नथिंग बट एक्सेल. जसं तुम्ही इथे एक्सेल आपण काल बघितलंय, चार टेक्नॉलॉजीज आपल्याला शिकायच्या आहेत, राईट? एक्सेल, पॉवर बीआय, एसक्यूएल आणि पायथन. तर त्यातलं एक्सेल पासून आपण सुरू करतोय. ओके, सो जस्ट टू गिव्ह, एक्सेल इज अ पेड सॉफ्टवेअर, म्हणजे हे पेड टूल आहे फ्रॉम मायक्रोसॉफ्ट. मायक्रोसॉफ्ट करून तुम्हाला लायसन्स, देन ओनली यू कॅन यूज एक्सेल. क्लिअर? जर कोणाचं पेड नसेल तर मोस्टली त्यांच्या ओपन होतात पण तुम्हाला ऑप्शन्स अवेलेबल नसतील. तर क्विकली जे काही ऑनलाईन आहेत, तुम्ही सांगणार का तुमचं एक्सेल वर्क होत आहे नाही होत, और तुमच्याकडे लायसन्स आहे? ओके, मग लायसन्स नाही आहे. ओके, देन इफ यू डोंट हॅव लायसन्स, तुम्हाला एक तरी लायसन्स घ्यायला लागेल. नसेल तर सम पायरेटेड व्हर्जन, तुम्हाला माहितच आहे युट्यूब वरती तुम्ही टाकलं हाऊ टू ऍक्टिवेट हा एक्सेल, ते आहे. नसेल तर ऑफिस मध्ये लॅपटॉप आहेत, ते लॅपटॉप तुम्ही युज करा, त्यात आहे सगळं. ओके, ऑनलाइन एनीवन डाऊट आहे कोणाला? आयडिया नाही तुमच्याकडे पेड आहे की नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑप्शन दिसतात पण कोणते ऑप्शन बद्दल बोलता याचा आयडिया नाही आहे. ओके, नाईस, गुड. प्रेझेंट माय स्क्रीन अँड ओपन. बाय द वे, जर तुमचं ऑप्शन वर्क नाही होणार, कॅन नॉट डू एनिथिंग इन दॅट. बेसिक बेसिक ऍडिशन सबट्रॅक्शन हे पण वर्क नाही होणार इफ सो बेसिक ऑपरेशन होत आहेत का तुमच्यात? ऍडिशन वगैरे करू शकता का तुम्ही दोन नंबर? हो, बाकी सगळं करू शकतो. ओके, ऍक्टिवेटेड, नॉट अ इश्यू. व्हॉट अबाउट अदर्स? काय आहे का सॉफ्टवेअर? नसेल तर आय कॅन शेअर व्हिडिओज टू ऍक्टिवेट. असेल तर युट्यूब पण तुम्ही सर्च करू शकता. ओके, इट सीम्स बाकीच्यांचं वर्क होत आहे. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला हे ब्लँक वर्कबुक माहित असेल, ब्लँक शीट. ब्लँक अशी एक्सेल फाईल दिसते, यू कॅन ओपन. थँक्यू.
जस्ट अ सेकंड. बाकी ज्यांचं दिसतंय आणि हे ऑप्शन प्रॉपर दिसत आहेत ना, हे ऑप्शन ग्रेड आउट नाही व्हायला पाहिजे, एज इन इथे ब्लँक होतात काही वेळा. इफ इट इज नॉट म्हणजे लायसन्स तर ते ग्रेड आउट होतात ऑप्शन. ओके, ओके दिसतंय सगळ्यांना तुम्हाला? ओके, सो हे ऑप्शन जे आहेत वर, हे सगळे ऑप्शन तुम्हाला ग्रेड आउट झालेले दिसतील. ग्रेड आउट म्हणजे ब्लँक वगैरे दिसतात, फेंट दिसतात एकदम. ओके, दॅट इज नथिंग बट नॉट वर्किंग, एज इन लायसन्स नाही. और खूप डिटेल मध्ये एक्झॅक्ट तुम्हाला चेक करायचं असेल कोण कुठला लायसन्स आहे, फाईल मध्ये क्लिक करून, ओके फाईलला क्लिक करा, गो टू ऑप्शन्स, और इथे अकाउंट्स अँड ऑप्शन्स दिसत आहे राईट, तर अकाउंट वरती क्लिक करा, यू विल सी हिअर सबस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, दिस 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 प्रोडक्ट कंटेन्स आहे. इथं नसेल तर लिहू नये, तर दिस इज नॉट अ लायसन्स्ड कॉपी. इथे रेड कलर मध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मेशन येते. ओके क्लिअर, सो यू कॅन सी फ्रॉम हिअर ॲज वेल. इथे अपडेट लायसन्स, स्विच लायसन्स, अपडेट लायसन्स, हे सगळे ऑप्शन्स येत आहेत. If it is not there, you will understand. तिथे लिहून येतं डायरेक्टली तुम्हाला. ओके, इफ इट इज नॉट ट्रू, क्लिअर. फर्स्ट केसेस तुम्हाला लायसन्स लागेल, बिकॉज वी विल यूज अ एक्सेल. नसेल तर यू कॅन गुगल के एम एस ऍक्टिवेटर म्हणून आहे, समथिंग कॉल्ड के एम एस ऍक्टिवेटर. ओके, गुगलवरती हे करा, नाहीतर युट्यूबवरती तुम्ही सर्च करू शकता. दिस विल ऍक्टिवेट युअर लायसन्स. ओके good, so let's start with the basic. So we are going to learn excel he tumcha as a basic tool apan shiknar hai, and we are going to start it from today. Before starting, there are few things which I am expecting ki tumhi saganni he perform kele pahijet. Let me create a folder. सो डे वाईज प्लॅन आहे आपल्याकडे, कोर्स सिलेबस आहे. सो लेट मी शेअर द डिटेल्स. ओके, सो आपण एक्सेल सुरू करणार आहे, देन वी आर गोइंग टू सी सम फंक्शन्स, टेस्ट फंक्शन्स, काउंट, व्ही लुकअप, एच लुकअप, हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज वी आर गोइंग टू सी. देन देअर आर इंडेक्सेशन, एच लुकअप, एक्स लुकअप म्हणून एक आहे, दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड, कारण ते इट मे वर्क और मे नॉट वर्क डिपेंडिंग अपॉन द लायसन्स टाइप, बट वी आर गोइंग टू कवर. देन इम्पॉर्टंट थिंग इज पिवोट टेबल. पिवोट टेबल आहे, त्याचे एक्सरसाइज, क्वेश्चन अँड आन्सर, देन फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू अडवान्स टेक्निक्स, म्हणजे सॉल्वर, डेटा व्हिज्युअलायझेशन साठी चार्ट, पिवोट चार्ट, अशा आहेत अडवान्स एक्सेल. देन वी आर गोइंग टू कन्क्लूड विथ mini project and macros. Macros म्हणून एक ऑटोमेशन टूल आहे, विच ऑटोमेट युअर एक्सेल. कम्प्लीट एक्सेल मधले सगळे ऑपरेशन तुमचे ऑटोमेट करण्यासाठी वी यूज मॅक्रोज. ओके, अँड वन मोर थिंग विच इज दिस, सेकंड लेट मी क्लोज माय पायथन, ऑर एल्स इट विल कंज्यूम. ओके,
ओके, सो अबाउट इंस्ट्रक्टर, दिस इज एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स। ये डेटा एनालिटिक्स के लिए जो एक्सेल लगता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, इसमें सारा डेटा एनालिटिक्स के रिलेटेड रहेगा। सो डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड मींस टू परफॉर्म इनसाइट्स एंड एक्शंस, जो हमने बोला ना, इनसाइट्स निकालेंगे डेटा देख के और उसमें से एक्शन सजेस्ट करेंगे। तो ये अचीव करने के लिए वी फॉलो सम प्रोसेस। पहले तो ये स्टार्ट होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग से, मतलब आपका कौन सा डेटा है, क्या करता है वो डेटा। सो इट स्टार्ट्स विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा फॉर्मेटिंग। ओके, डेटा अंडरस्टैंड हो गया, डेटा फॉर्मेट करना है, देन वी गो डेटा कंसोलिडेशन। सॉरी, बिफोर दैट वन क्विक स्टेप, क्विक इनसाइट्स निकालते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्विक इनसाइट्स, देन डेटा कंसोलिडेशन। ओके, सो वी कंबाइन द डेटा, वी कंसोलिडेट द डेटा, देन पिवट टेबल और पिवट चार्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हम यूज करते हैं। सो वी कंबाइन सम डेटा, तो वो पिवट यूज करके होता है। देन लास्ट स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, कंसोलिडेशन, देन समराइजेशन विच इज यूजिंग अ पिवट टेबल, एंड देन विजुअलाइजेशन। ये पांच स्टेप है, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस फाइव स्टेप्स। ये पांच स्टेप आप फॉलो करोगे प्रॉपरली, देन यू विल फाइंड गुड इनसाइट्स, मतलब आप इनसाइट्स अच्छे से निकाल पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू गिव सम एक्शंस एज वेल, मतलब कंपनीज को एक एक्शन वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर? सो हमारा टाइमिंग रहेगा 6:30 to 7:30, ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑल द डेज वर्किंग, ऑल द डेज एज इन मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे एज पर आवर प्लान एक्टिविटीज के लिए रहते हैं, एक्टिविटीज प्लस योर मॉक इंटरव्यूज, एग्जाम्स, सब कुछ सैटरडे में होगा। सो आई विल शेयर द डिटेल कल का जो सैटरडे, उसके रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। कल भी सेशन है, इफ पॉसिबल यू कैन विजिट। 12 बजे शुरू होगा सेशन, 12 से 2 एक्सेल का है, एंड 2 से 5 बजे तक वी हैव एसक्यूएल एंड एक्सेल मॉक इंटरव्यूज। ओके, इंटरनल है, ऑफलाइन, इट इज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, बट प्रिफर ऑफलाइन ओनली। ओके, क्लियर एवरीवन? सबको इंस्ट्रक्शंस क्लियर है? ओके, गुड। सो व्हाट डेटा एनालिटिक्स प्रोफिशिएंसी आपको आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यू कैन इंक्रीज, मतलब ये एक्सेल पढ़ के और ये कोर्स करके यू विल बी कॉन्फिडेंट, इफिशियंट, कैलकुलेशन सब फास्ट कर पाओगे। यू विल बी एबल टू यूज सम ट्रिक्स एंड टिप्स जो हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर, एंड देन यू विल बी प्रिपेयर फॉर सम एडवांस लर्निंग, मतलब मैक्रोज वगैरह जो आप पढ़ोगे उसका दैट इज नथिंग बट एडवांस एक्सेल, और आप डिटेल में भी उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, राइट? मोनोलॉग मतलब मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बाकी लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्स, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या इशू है, वेदर आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुश्किल है। सो यू नीड टू पार्टिसिपेट। ओके, तो आपको कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो अनम्यूट कर दीजिए एंड यू कैन टॉक। ओके, अनम्यूट करके आपको बात करना है। क्लियर? ओके, अभी अनम्यूट करके बात कर सकते हो, दोज हु आर ऑनलाइन। यस, रोहित, प्राजक्ता, निकिता, मृणाल, गौरी, ओके, सिंस नो वन इज इंटरेस्टेड, प्रणीत,
जो इसमें जो मेथड्स सिखाए जाएंगे ना एक्चुअली, हाँ तो वो डेटा साइंस के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे या फिर यस उसमें अलग रहेगा कुछ? नहीं, डेटा साइंस का अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ओके, तो इसमें ऐड ऑन कुछ एड सेम ऑन रहेगा नहीं ना रहे, एक्सेल साइड से नहीं है कुछ। इतना, डेटा साइंस सफिशिएंट है? यस ओके यस। प्रणीत, मृणाल, निकिता, प्राजक्ता, रोहित, गौरी, ओके। सो साइलेंस मीन्स यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? ऐसा ही है ना? ओके ठीक है, दैट्स गुड। चलो, सो व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड, एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए एंड एक्टिवेट होना चाहिए, सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं, एक्टिवेशन। और आपको डेटा सेट्स भी लिखेंगे काम करने के लिए, जो क्लास में हम सिखाएंगे, दैट आई विल शेयर विथ यू, मतलब आपको वो मिल जाएगा। ओके, दैट विल गिव ओके सर, एक्सेस टू इंटरनेट एंड ओपन एआई। ओपन एआई किस लिए? चैट जीपीटी, होप सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। सो हम भी थोड़े डिटेल में देखने वाले कि कैसा चैट जीपीटी यूज करके हमारा काम हम काम कम कर सकते हैं। ओके गुड। सो डे वाइज, डे वन इंट्रोडक्शन एंड बेसिक फंक्शंस, सम एडवांस फंक्शंस, डीप डाइव इनटू लुकअप फंक्शंस, पिवट टेबल, डेटा एनालिटिक्स, टूल पैक, मिनी प्रोजेक्ट। सो ऐसा मोस्टली 7 to 8 days का ये कोर्स रहेगा, एक्सक्लूडिंग 1 or 2 days, मतलब इनिशियल जो 1-2 दिन है ये थोड़े बेसिक रहते हैं। ओके गुड। सो एग्जाम आपको बताया जाएगा ग्रुप में, एग्जाम ऑनलाइन रहेगा एंड दैट यू हैव टू अपियर, एंड सब प्रोजेक्ट मतलब एक्सेल कंप्लीट कंप्लीशन के बाद आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओके, प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप, बट इफ यू वांट टू शो इट वंस अगेन, जस्ट अ सेकेंड, आपको गूगल मिला होगा। डन विद दिस, देन लेट्स, दीज आर द फाइल्स यू नीड टू डाउनलोड। पहले तो आप डाउनलोड करके रखिए, डोंट ट्राई टू एडिट दिस फाइल्स, ये एडिट एक्सेस नहीं है, आपको सिर्फ गिव एक्सेस है। ओके, सो डोंट ट्राई टू एडिट, डाउनलोड कीजिए पहले। कैसे डाउनलोड करना है? यू कैन क्लिक ऑन हियर एंड डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, तो ये जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा, आप एक्सट्रैक्ट करके जिप को अनजिप करके आप यूज कर सकते हैं। ओके, नहीं तो इंडिविजुअली फाइल यहाँ से डाउनलोड करो, ये देखिए डाउनलोड, इंडिविजुअल फाइल्स यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर एज वेल। गुड, एवरीबडी क्लियर? प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, हर रोज आपको असाइनमेंट मिलेंगे, यू नीड टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स, छोटे छोटे ही है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट डेली 15 to 20 minutes आपको करना है असाइनमेंट। गुड, क्लियर एवरीबडी? इंस्ट्रक्शन सबको क्लियर है, क्या करना है, कैसे करना है, वॉट आर यस वॉट ऑल वी आर गोइंग टू डू, एग्जाम कब होगा, प्रोजेक्ट कब होगा। क्लास सम खत्म होने के बाद 10 दिन के अंदर आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओके गुड, सो विद दिस बैकग्राउंड वी आर ऑल सेट टू लर्न एक्सेल। ओके, तो एक्सेल कैसे ओपन करते हैं? पहले तो यहाँ पे क्लिक करना है, एक तो विंडो सर्च है एक्सेल, ये ऐसे आप दिखेगा फाइल। ओके, एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस, यहाँ क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी ओपन, तो ये ओपन हो जाएगा आपके इसमें, ये देखिए। फिर यू कैन सिलेक्ट ओपन, ये करना है ये कीजिए, और यू कैन कंटिन्यू विद सम अदर थिंग, आपको जो सुटेबल लगता है यू कैन। क्लियर? सो दिस इज हाउ एक्सेल ऐसे दिखता है इफ यू आर यूजिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम। व्हाई पीपल यूज एक्सेल? सबसे पहले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का बहुत बार यूज होता है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ओके, एंड देन आई राइट 4 हियर, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू, क्लिक करता हूँ इसमें प्लस, ये क्लिक करता हूँ इंटर। ओके, 3 + 4 = 7, इफ आई चेंज समथिंग लाइक दिस, ये देखिए ऑटोमेटिकली मेरा आंसर चेंज हो रहा है, राइट राइट। सो मोस्टली इसके लिए लोग यूज करते हैं, बट हम यूज करने वाले फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स परस्पेक्टिव, तो आपको हार्डली
गेस फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद कभी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है. एवरीथिंग वी विल यूज द इनबिल्ट टूल, जो इनबिल्ट हमें ऑप्शंस अवेलेबल है वही यूज करेंगे. हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला रट्टा मारना ये हमारा काम नहीं है. कंपनी में जाके आपको कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा. ओके क्लियर? ओके लेट्स अंडरस्टैंड. सो सबसे बेसिक व्हाट इज दिस, एनीवन नोस ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? सो सेल. सो दिस इज कॉल्ड अ सेल. वन एलिमेंट को बोलते हैं सेल. ओके सी डबल एल सेल. सेल के अंदर क्या रहता है? इंफॉर्मेशन. आई कैन स्टोर द डेटा इनसाइड अ सेल. ओके जो भी इंफॉर्मेशन है आपका, नंबर्स, मार्क्स, अमाउंट, परसेंटेज, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन द सेल. ये बेसिक ऑफ बेसिक एंटिटी ऑफ एक्सेल इसको बोलते हैं. ओके सो ये देखिए, देन देयर आर सम ऑप्शंस. ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ऊपर राइट. ये देखिए यहाँ पे, ये देख क्या क्या है, होम पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं राइट. और यहाँ पे भी कुछ लिखा है बुक वन एक्सेल. पहले तो इस दिस इज बुक वन इज नथिंग बट अ नेम ऑफ माय फाइल. ये जो फाइल सेव करता हूं मैं तो उसका नाम है ये. ओके अभी मैंने सेव नहीं किया है इसीलिए बाय डिफॉल्ट बुक वन ऐसा आया है, बट आई कैन सेव दैट. सेव कैसे करना है? यहां से राइट ये शॉर्टकट है. क्लियर? व्हाट आर दिस कॉल्ड? होम पेज लेआउट. इनको बोलते हैं टैब. ओके मतलब ये हो गया होम टैब, ये हो गया होम टैब, ये हो गया पेज लेआउट टैब, ये डेटा टैब, फॉर्मूलाज. इसके अंदर क्या क्या है? होम के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो वेरी बेसिक अलाइनमेंट रिलेटेड, फॉर्मेटिंग रिलेटेड. ओके मतलब मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है. मैंने यहाँ पे जो लिखा है दिस इज वेरी गुड, यहाँ पे लिखा है इसको कलर चेंज करना है, कुछ चेंज करना है तो मैं होम टैब से कर सकता हूँ. फॉर्मेटिंग, एस्थेटिक रिलेटेड सब कुछ. ओके इफ यू वॉन्ट टू डू एस्थेटिक चेंजेस तो आपको होम टैब में ऑप्शन अवेलेबल है. ओके जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये देख सकते हो यहाँ पे एक येलो कलर देता हूँ देखिए. नहीं तो इफ आई वॉन्ट टू डू, ये देखिए एस्थेटिक चेंज कर सकता हूँ, कैलकुलेशन वगैरह नहीं राइट. मान लीजिए आपका कलर, यू डोंट लाइक द कलर, ओके आपको ये रेड कलर में चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू लाइक दिस, येलो, ग्रीन, ये देखिए ऐसे. ओके एस्थेटिक दिस इज पॉसिबल फ्रॉम होम टैब. मोस्टली होम टैब यहाँ पे फॉन्ट ये ऐसा कुछ आपको इंक्रीज करना है देखिए, ये डिक्रीज करना है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ये देखिए. ओके फॉन्ट यहाँ से भी सेट हो जाएगा ये देखिए यहाँ से. ओके ये ऐसे कुछ लिखना है आपको दिस. सो डिपेंडिंग अपॉन एस्थेटिक एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर. तो मोस्टली डिफॉल्ट सेट कीजिए जो अवेलेबल है, डोंट ट्राई टू चेंज, नहीं तो ये ऐसे अनरीडेबल है. ये देखिए पढ़ सकता हूँ कि मैं नहीं, ये पढ़ सकते हो कि नहीं. सो हमारे लिए कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, एस्थेटिक नहीं है. सो लेट इट बी एज इट इज. ठीक है नेक्स्ट पेज लेआउट. पेज में क्या है? मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज एज इन A4 चाहिए, A3 चाहिए, लेटर हेड. जब भी आप प्रिंट वगैरह निकालते हो दैट टाइम यू शुड यूज अ पेज लेआउट टैब. ओके पेज लेआउट टैब. देन इंसर्ट टैब. इंसर्ट में क्या क्या है? इंटरेस्टिंग ऑप्शन, चार्ट रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे. डेटा विजुअलाइजेशन जो हम आगे करने वाले हैं ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इंसर्ट. ये देखिए यहाँ से आपको डायरेक्टली चार्ट अवेलेबल है, मैप है, ओके लाइन चार्ट, बार ग्राफ, स्मॉल स्मॉल ऑप्शन आर अवेलेबल. ओके देन डेटा टैब. फॉर्मूलाज में क्या है? फॉर्मूला है, जो आप फॉर्मूला यूज करोगे सम, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, ओके लॉजिकल, इफ, एलिफ, कुछ फॉर्मूला यूज करना है तो दैट यू कैन डू. डेटा टैब में ऑल रिलेटेड टू फिल्टर, सॉर्ट,
डुप्लीकेट रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट रिलेटेड ऑप्शंस है, ओके। व्हाट इफ एनालिसिस ये हम देखने वाले हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑल दिस ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द डेटा टैब। रिव्यू, रिव्यू में क्या है, फॉर्मूला फॉर्मूला वगैरह चेक कर सकते हो, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, कुछ इरर वगैरह है तो वो करेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अनइट सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखिए प्रोटेक्ट मतलब आपने कुछ लिखा है उसको कोई भी मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब पासवर्ड लगा सकते हो आपके फाइल को, सो दैट नोबडी कैन एडिट और डिलीट। अंडरस्टूड? सो दिस इज प्रोटेक्शन वगैरह है, ये थोड़ा यू मे और मे नॉट यूज। देन कैन एनीबडी क्विकली कंफर्म, आपको ये टैब दिख रहा है डेवलपर, मेरे इसमें दिखता है बट आपके इसमें होपफुली नहीं दिखेगा। गुड, सो आपको नहीं दिख रहा है, राइट। सो दैट इज नथिंग एडवांस ऑप्शन, वो एडवांस ऑप्शन है, जब हम एडवांस एनालिटिक्स करेंगे दैट टाइम वी कैन ऑब्जर्व, मतलब दैट आपको ये टैब इनेबल करना पड़ता है, ये रेगुलर डे टू डे यूजर के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको स्पेशली इनेबल करना पड़ता है। अंडरस्टूड? दिख रहा है, ओके, गुड, दिख रहा है तो यू हैव ऑलरेडी इनेबल्ड, नहीं दिख रहा है तो इनेबल करने का प्रोसेस है। लेट्स क्विकली डू दैट। फाइल पे क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन ऑप्शंस, ओके। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी कस्टमाइज रिबन, ओके, कस्टमाइज रिबन यहां पे क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ पे अनटिक करना है, टिक। ये देखिए मैंने ऑलरेडी टिक करके रखा है, ये ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे आपको इसे क्लिक करना है, क्लियर। फाइल में जाके फाइल ऑप्शंस, ओके, एंड देन कस्टमाइज रिबन, एंड कस्टमाइज रिबन के बाद डेवलपर ऑप्शंस। व्हाई वी आर डूइंग, क्विकली इनेबल कीजिए क्योंकि बाद में आपको मुश्किल ना हो जब हम कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। इसको बोलते हैं एनवायरनमेंट सेटिंग अप और सेटिंग अप ऑफ एन एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग करने से पहले एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है, वैसे ही एक्सेल सीखने से पहले ये सारे ऑप्शन आपको इनेबल करना है, ओके। गुड, क्लियर एवरीवन? किया सब लोगों ने? क्विकली थम्स अप कीजिए इफ यू हैव डन दिस। डेवलपर ऑप्शन इनेबल है, गुड गुड। प्रणीत, गौरी, I can see. What about others? Prajakta, nice. Chalo, there is one more thing aapko ensure karna hai before we start. Please go to data tab. Data tab mein jaiye and check ye aapko dikh raha hai kya? Ye option aapko dikh raha hai kya? Ye jo yahan pe hai, ye option. As in solver and data analysis tool pack. Dikh raha hai kya? No sir. Yes. Good. As expected, again this is again a advanced part which we need to enable. ये day to day regular user के लिए नहीं है, ये data analysis के लिए लगता है, इसलिए हम लोग ये सब अभी से set करके ले रहे हैं, okay? How to enable this? चलो follow with me, मेरे साथ follow कीजिए। File options, same file options. Go to add-ins. इस बार add-ins पे क्लिक करना है। Last time customize ribbon था, इस बार add-ins. Okay? Add-ins पे क्लिक करना है आपको। हो गया क्लिक? Then add-ins पे क्लिक करने के बाद come to go option. यहाँ पे नीचे option दिख रहा है, go. दिख रहा है सबको? इस पे क्लिक कीजिए। Once you click here, देखिए यहाँ पे you can enable this option. Called analysis tool pack and solver. इसको सिर्फ क्लिक कीजिए, ऐसे टिक कीजिए, टिक मार्क, देन प्रेस ओके। समझ में आया सबको? वंस आई क्लिक ऑन ओके, आपको ये ऑप्शंस डेटा टैब में दिखेंगे। क्विकली कंफर्म हो गया सबका? ओके, आई कुड सी निकिता हैज इनेबल्ड। व्हाट अबाउट अदर्स? इवन गौरी हैज इनेबल्ड, रोहित, प्रणीत एंड शुभम, आपका क्या? ओके गुड,
प्राजक्ता आपका हो गया है, होप सेटअप इज डन, गुड। सो वी आर गुड विद द एनवायरमेंट, मतलब हमने जो हमें इनेबल करना था ये सब कुछ ऑन करके लिया है, नाउ वी कैन स्टार्ट। ओके, सो वेरी बेसिक थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि लिमिटेशन क्या है एक्सेल के। आपको दिख रहा है सेल, राइट, ये सेल दिख रहा है, बट ये सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स एड्रेस। मतलब जैसे आपका घर है भक्ति निवास, शक्ति निवास कुछ रहेगा, बट उसका एड्रेस क्या रहता है, अलग रहता है, राइट, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, शिवाजी चौक, एक्स वाई जेड, राइट। सो अगेन एक्सेल में भी ऐसे ही आइडेंटिफाई होता है, ये सेल को एक एड्रेस रहता है। यहाँ पे देखिए E10, E10 इज नथिंग बट E इज अ कॉलम एंड 10 इज अ रो। तो कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से ये सेल आइडेंटिफाई किया जाता है, क्लियर। सो यू कैन चेक रैंडमली कि यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये L7, L इज नथिंग बट कॉलम एंड 7 इज नथिंग बट रो, राइट, यही हमने चेक किया था, राइट। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा L7। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह जो पाइथन एक्सेल में है दैट इज आइडेंटिफाइड ऑन अ सेल एड्रेस। सेल के अंदर क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, सेल का एड्रेस क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर। आपको एग्जांपल चाहिए तो यू कैन चेक, ये देखिए मैंने लिया था 3, राइट, और मैंने लिखा था 4 और मुझे यहाँ एडिशन चाहिए नीचे, तो मैं क्या लिखता हूँ, इज इक्वल टू आई एम यूजिंग द सेल एड्रेस, राइट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ क्या, नहीं, आई एम राइटिंग अ J6, J6 इज, दिस इज J, राइट, ये J का कॉलम है और 6 इज नथिंग बट लाइक दिस, यहाँ से कुछ 6 आएगा तो ये हो गया J6, यू कैन ऑब्जर्व, ये देखिए, राइट, यही है ना J6। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू राइट अ फॉर्मूला तो ये एक्चुअली सेल का एड्रेस ले लेता है। देखिए If you click, J6 plus K6, इससे क्या होता है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होता है, ना कि एक्चुअल डेटा। यहां से आगे जो भी हम करेंगे वो सब कुछ बेस्ड ऑन एक्सेल का सेल एड्रेस, एक्चुअल डेटा के साथ हम काम नहीं करेंगे यहां से आगे। ये क्लियर सबको, क्लियर, गुड। So let's see, पहले तो कितने सेल रहते हैं, क्या ये अनलिमिटेड है क्या, ये देखिए ऐसे, ये अनलिमिटेड है क्या, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं बट खत्म नहीं हो रहा है, देखिए 360 पे आ गया अभी, राइट। सो ये कहां तक जाता है, रो नंबर, बाय द वे इसको रो नंबर बोलते हैं क्योंकि रोज आर दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज रो एंड वर्टिकल क्या रहता है, कॉलम, राइट, कॉलम आर आइडेंटिफाइड विद अल्फाबेट ABCD, इसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई होते हैं, यू कैन ऑब्जर्व, देखिए, राइट, और रो विद द नंबर, क्लियर। ये कहां तक जाता है, क्लिक कीजिए कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल पेज डाउन, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये देखिए 1048576, मतलब 1048000 के अराउंड आपको डेटा स्टोर कर सकते हैं, ओके, मतलब 1000000 रोज आप स्टोर कर सकते हैं। बट व्हाट इफ मेरे पास 2000000 है तो क्लाउड पे, बट स्टिल 1000000 है ना, यहाँ पे कैसे स्टोर होगा, यस गौरी रोहित, मतलब आप बोल रहे हो कि दुनिया में सब कुछ 1000000 के अंदर ही होता है क्या, सर जो माइक्स SQL वगैरह है कर सकते हैं ना, ओ डायरेक्ट आप SQL, ओके, मुझे SQL नहीं आता इतना, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तो यस सर ऐड अनदर शीट कर सकते हैं, बात चलती है, यस यस, व्हाट अबाउट रोहित, प्रणीत, निकिता, आपको क्या लगता है 1000000 से ज्यादा है तो क्या करूंगा मैं, और क्या करना चाहिए, और आप क्या करोगे, नेक्स्ट शीट पे सर, ओके ओके एब्सोल्युटली राइट। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है,
इसको बोलते हैं शीट वन, जैसे हमारे नोटबुक के पेजेस रहते हैं ना, वैसे ही आप ये एक्सेल फाइल को नोटबुक समझ सकते हो। इसका फर्स्ट पेज है जिसपे 10 लाख है, नेक्स्ट पेज ये देखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर ये देखिए ऐसे, ये तीन चार चार पेजेस मैंने बताए, तो हर पेज पे आप 10 लाख इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते, देखिए राइट क्लियर। ये देखिए सो ये जो फाइल है मेरा कॉल्ड बुक वन, इस फाइल में मेरे 5 शीट है और हर एक शीट पे मैं 10 लाख स्टोर कर सकता हूँ, राइट। स्टिल फिर आप बोलोगे सर एक फाइल हो गया, दूसरा फाइल मैंने क्रिएट किया तो दूसरे फाइल की क्या जरूरत है, हर एक ही फाइल में क्रिएट करता हूँ और सारा इंफॉर्मेशन एक ही फाइल में भर देता हूँ, मतलब यहाँ पे नया एक्सेल फाइल खोलने की क्यों जरूरत है। यस एनीवन, क्यों लगता है फिर नया एक्सेल फाइल क्यों बनाना है, सब कुछ तो है आपके पास। बाय द वे 99 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है उसमें तो। क्वेश्चन यस गौरी बोलिए। नहीं समझा सर। ओके एक एक्सेल फाइल में आप 10 लाख रोज सेव कर सकते हो और ऐसे आप 30 30+ शीट बना सकते हो, राइट। ओके मतलब एक फाइल में आप ऑलमोस्ट बहुत डेटा स्टोर कर सकते हो, करोर्स एंड करोर्स। ओके तो एक फाइल में स्टोर कर सकते हो, तो मल्टीपल फाइल क्यों चाहिए आपको, सब कुछ एक फाइल में स्टोर कर दो आप इंफॉर्मेशन। यस ओके गॉट द क्वेश्चन, समझ में आया, मतलब फाइल क्यों क्रिएट करना है नया, सब कुछ एक ही फाइल में स्टोर करो ना। अभी देखोगे आप डे वन डे टू ऐसे मैंने स्टोर क्रिएट किया है। ओके ये देखिए यहाँ पे हेलो अलग अलग फाइल क्रिएट किया है, क्या करने की जरूरत थी, मैंने सब सब कुछ एक ही फाइल में स्टोर कर देता तो वर्क हो जाता। सर बट ओवर द लिमिट हो गया तो डेटा मतलब शीट हैंग होने लगेंगे। ओके एनी अदर रीजन। यस क्योंकि रोहित प्रणीत डेटा करने की जरूरत है, लाइक अगर सारा एक ही फाइल में फिर समझ में नहीं आता कौन सा क्या है किस रिलेटेड है, मे बी यस इजी एक्सेस के लिए सर। ओके यस यू पीपल आर ऑलमोस्ट राइट। ओके प्रणीत गौरी सो टू स्टोर जनरली क्या होता है, एक फाइल में आप सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और यू शुड स्टोर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए मतलब एक ही फाइल में मैं स्टोर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता। ओके देर इज नो लिमिटेशन, आई कैन डू इट, मुझे चाहिए तो मैं सब एक ही भर दूंगा, बट ये समझ नहीं आएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इट टू जनरली शीट का यूज होता है टू स्टोर अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। रिलेवेंट मतलब क्या, मान लीजिए आप एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो एम्प्लॉय का सैलरी एक शीट में स्टोर करो, एम्प्लॉय का अटेंडेंस एक शीट में स्टोर करो, एम्प्लॉय का आपको कुछ ट्रेनिंग देना है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक शीट में स्टोर करो। ओके बट एम्प्लॉय का रोज क्या काम करता है ये दूसरे शीट में स्टोर कर सकते हो, क्योंकि वो हो गया आपका डिपार्टमेंट का काम, मतलब फाइनेंस का है, ऑपरेशंस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो वो उससे रिलेटेड काम स्टोर करेगा, राइट। नहीं तो सब कुछ एक ही फाइल में स्टोर कर सकते हो बट वो इफिशियंट तरीका नहीं है। ओके हाँ, अगर हमें सपोज एक ही फाइल उसमें से कोई फाइल सेंड करने को वो सब कुछ करना पड़ेगा, राइट, वी कांट। यस यस सो इफ यू वॉन्ट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन आपको पूरा फाइल सेंड करना पड़ेगा। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप एक फाइल में स्टोर कर दीजिए। ओके और हर एक टॉपिक का अलग अलग फाइल बना दीजिए। सो दिस इज व्हाट अ जनरल प्रैक्टिस इज।
इंडस्ट्री में. क्लियर एवरीबडी? व्हाट इज शीट, व्हाट इज सेल, व्हाट इज द फाइल, ये क्लियर सबको क्या डिफरेंस है ये तीनों में? एंड बाय द वे, फाइल्स जब भी आप स्टोर करते हो उसका फॉर्मेटिंग एक बार चेक कर दीजिए. फॉर्मेट इट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और इसका फाइल टाइप रहता है .xlsx. ये देखिए .xlsx, दिस इज अ फाइल टाइप. क्यों इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली, क्योंकि आगे जाके आप अलग अलग फाइल टाइप पढ़ने वाले हो. पाइथन में आप IPYNB फाइल रन करोगे, पावर बी आई में .pbx, राइट, ऐसे ही रहता है ना, pbx, हाँ pbx फाइल टाइप रहता है. SQL में .sql रहेगा. तो एक्सेल से रिलेटेड सारे फाइल्स .xlsx, नहीं तो xlsm वगैरह फाइल टाइप में होगा. क्लियर? आई नो ये बहुत बेसिक है, बट ट्रस्ट मी, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तब आपका बेसिक नॉलेज ही चेक होगा. मतलब यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट एक्सेल. ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडमली कुछ भी आप ओके मुझे वी लुकअप आता है, एच लुकअप आता है एंड आई एम गुड. नो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए. इफ यू आर लर्निंग एनी टेक्नोलॉजी, लर्न इट फ्रॉम द बेसिक. ओके, शॉर्टकट नहीं है. एक्सेल आता है तो कुछ ओपन किया और दो फॉर्मूला लगाया, नो. अंडरस्टैंड लिमिटेशंस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, शीट्स क्यों अलग है, फाइल क्यों क्रिएट करना है, एक फाइल में कितना डेटा स्टोर होता है, फाइल टाइप क्या है, एक्सेल एक्टिवेशन क्या होता है, लाइसेंस क्या होता है, एडवांस ऑप्शन जो हमने इनेबल किया वो क्या है, क्यों इनेबल किया. ये क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर? डोंट वरी, आगे जो एक्सेल पढ़ना है वो हम अभी पढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक, क्योंकि आप एसक्यूएल पढ़ोगे, पावर बी आई पढ़ोगे, पाइथन पढ़ोगे, सो एवरीवेयर यू विल यूज सिमिलर कंसेप्ट. जो हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं सेम कंसेप्ट आप पावर बी आई में अप्लाई करोगे, पाइथन में अप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस, सिर्फ उसका नाम अलग रहता है. ओके, एक्सेल में आप क्या करते हो? वी लुकअप, एच लुकअप. एसक्यूएल में क्या करते हो? जॉइंस, यू यूज समथिंग कॉल्ड जॉइन. पावर बी आई में क्या करते हो? यस, यू बिल्ड अ ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम बोलते हो उसको, करना सेम है. पाइथन में क्या करते हो? पांडास डेटा फ्रेम कंबाइन करते हो, करना सेम है. प्रोसेस इज सेम, ओनली टेक्नोलॉजी चेंज होता है. तो इसीलिए फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो बेसिक से पढ़ो, एवरीथिंग यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है सबको? आई नो इसमें टाइम जा रहा है सर, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है, ये सब कुछ हमें पता है, बट ट्रस्ट मी यही चीजें आपको आगे जाके रिलेट करना है जो आपने पढ़ा है. ओके, जैसे मैंने आज डिस्कस किया अबाउट अ प्रोसेस, डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, राइट, देन डेटा कंसोलिडेशन, देन समराइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, देन ऑटोमेशन, ये जो सात चीजें हैं, ये सात चीजें ही आप अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके करने वाले हो आगे जाके. जो डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट है ना एक्सेल में, उसको ही आप इन डिटेल में पावर बी आई में पढ़ोगे. एंड पावर बी आई का मेन्यू आपने देखा होगा तो सेम है जो हम ऑप्शन देख रहे हैं, राइट. ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ऊपर आपको, दीज आर ऑलमोस्ट 60-70% सेम है ऑप्शन, ऐसे ही दिखता है पावर बी आई. ओके, सो सेम ये विजुअलाइजेशन का है, ये देखिए ये ऐसा ही दिखता है वहां पे भी, बट थोड़े डिटेल में रहता है और एक डिटेल में. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक. तो एक्सेल अच्छे से कीजिए, आगे जाके आप सिर्फ रिलेट कर सकते हो, हाँ ये हमने पढ़ा था एक्सेल में ऐसा है, इधर सिर्फ ऐसा करना है, दैट्स इट. वहां जाके आप मत सोचो कि कैसे करना है, ये तो हमने देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम हो रहा है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? सो वन मोर थिंग, आप प्रैक्टिस कीजिए एंड ट्राई टू अटेंड द सैटरडेज लेक्चर.
जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अलोंग विथ योर टेक्निकल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो इनसाइट्स निकालोगे दैट इज ओके, बट आपको एक्शन सजेस्ट भी करना है ना, मतलब आपको बिजनेस ओनर को बताना भी है कि आपने क्या निकाला। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फाइंड आउट किया और आप ही के पास रह गया वो। यू नीड टू बी वेरी गुड इन प्रेजेंटेशन एज वेल। आप डेटा एनालिटिक्स में करियर करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि 60% टेक्निकल 40% कम्युनिकेशन स्किल आने ही चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल आना ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेवलपमेंट नहीं है, मतलब ये बैक एंड नहीं है, ओके? दिस इज क्लाइंट फेसिंग रोल। क्लाइंट फेसिंग मतलब आप आपकी यूजर से बात करोगे, मतलब आप बिजनेस ओनर से बात करोगे। मतलब मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, कंपनी में क्या करना चाहिए आप मुझे बताओगे। आप बताओगे सर हमारा लॉस हो रहा है, 200 एम्प्लॉय को निकाल दो, आप बताओगे, एंड देन आई विल रिमूव। एज अ ओनर वो सिर्फ एक्शन लेगा, बट सजेस्ट करना ही तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो आप एनालिसिस करोगे पूरे बिजनेस का, एंड देन यू विल टेल। समझ में आ रहा है? सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट यू मेक योर बेसिक्स क्लियर। टेक्निकली हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेक्निकली भी हम पढ़ेंगे, विल स्टार्ट। सो कल से हम फॉर्मूलाज वगैरह स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल डेटा अंडरस्टैंडिंग का जो स्टेप वन है हमारा, वो हम स्टार्ट करेंगे, ओके? क्लियर सबको? समझ में आया है? सो वी विल मीट अगेन ऑन मंडे फॉर द सेम टाइम, ओके? कल एक्टिविटी है सैटरडे का, आई विल शेयर द डिटेल्स इन द ग्रुप। 12 बजे से 4 बजे तक का एक्टिविटी है, ऑफलाइन है, यू कैन अटेंड दोज एक्टिविटीज, ओके? क्लियर सबको? सो जस्ट टू रिवाइज, हमने क्या क्या किया 2 दिन में। वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज हम यूज करने वाले हैं, राइट? देन हमने प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, इनसाइट्स क्या है, एक्शंस क्या है, ओके? और आज हमने एक्सेल के बारे में देखा। वी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट इन विच वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब हमने बेसिक सेल से स्टार्ट किया, सेल क्या है, सेल का एड्रेस क्या है, शीट क्या है, फाइल क्या है, कितना डेटा स्टोर होता है, टैब क्या है ऊपर, देन डेवलपर ऑप्शंस इनेबल किया, एडवांस सॉल्वर, डेटा एनालिसिस टूल पैक इनेबल किया, राइट? एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस, मतलब जो आपको इनसाइट्स एंड एक्शंस निकालना है, ये निकालने के लिए, एज इन टू फाइंड एक्शंस एंड इनसाइट्स, यू नीड टू फॉलो अ प्रोसेस। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा समराइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड ऑटोमेशन। सो ये 7 स्टेप्स है, ये 7 स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो यू विल नेवर फेस एनी डिफिकल्टी। आप रैंडमली कुछ भी करोगे तो डेफिनेटली यू विल गो एंड स्टक समवेयर, ओके? तो हम जो आगे 7-8 दिन है हमारे, इसमें एक-एक प्रोसेस हम पढ़ने वाले, ओके? एंड विथ हेल्प ऑफ सम टूल्स जो एक्सेल अभी है। सेम प्रोसेस आप पावर बी आई में पढ़ोगे, सेम प्रोसेस आप पाइथन में पढ़ोगे, एंड एसक्यूएल विल बी अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब एक सपोर्टिंग एप्लीकेशन है आपके लिए। क्लियर सबको कि क्या क्या पढ़ना है, क्या करना है, आप लोग क्या करने वाले हो, आपका जॉब कैसे दिखता है आगे जाके, ओके? सो गुड, इट वॉज इंटरेस्टिंग। हम कल से एक्चुअल लेक्चर शुरू करेंगे, विल स्टार्ट विद द डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ओके? बेसिक सिंपल फॉर्मूला चेक करेंगे 2-4, एंड देन विल स्टार्ट द डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट। ओके, क्विक फीडबैक, समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? इज माई ऑडियो क्लियर? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कम्युनिकेशन क्लियर है?
वीडियो अच्छे से दिख रहा है, कुछ लैग है, बफर है? यस ओके। सो फाइल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शेयर्ड, यू कैन डाउनलोड एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एज इन डाउनलोड करके रखिए, लेट अस वर्क टुगेदर फ्रॉम टुमारो। सो विल मीट ऑन मंडे। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड, टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है क्या? मतलब 7:30 को किसी को कुछ इशू है? कैन वी कनेक्ट एट 7:30 ऑनलाइन? 7:30 बजे हम शुरू कर सकते हैं क्या? आपको कुछ प्रॉब्लम है? 7:30 से 8:30? यस ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, व्हाट अबाउट प्रणीत, शुभम, निकिता? यस सर, एडजस्ट हो सकते हैं। परफेक्ट। ओके गुड, सो गुड देन। सो विल मीट ऑन मंडे एट 7:30। सो ऑफलाइन? यस, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी। नहीं, टाइमिंग क्या है ना? सॉरी, ऑफलाइन भी 7:30 बजे है क्या? नहीं, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हाँ बोलिए। ऑफलाइन भी 7:30 बजे है क्या? हाँ, सेम टाइमिंग, बैच सेम रहता है एक्चुअली। मतलब देयर इज अ स्टूडेंट आल्सो हियर। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन सेम चलता है कंटिन्यूएशन में। ओके देन, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, विल कनेक्ट ऑन मंडे। थैंक यू। कल का शेड्यूल आई विल सेंड इट इन द ग्रुप। कल का शेड्यूल मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, दोज हु आर नॉट इन द ग्रुप, 12 बजे आप इसी लोकेशन पे आ जाइए डायरेक्ट। ऑफिस लोकेशन, ऑफिस गूगल कर दीजिए, NMD इन्फोटेक, NMD प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी, FC रोड में ऑफिस है, मे बी यू कैन कम हियर डायरेक्टली। 12 बजे से सेशन शुरू है, राइट? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। सर मैथ्स कितना है?